सोमालिया की राजधानी मोगादिशु एक बार फिर आत्मघाती हमलों से दहल उठी है। इस हमले में 39 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 52 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि धमाका रेस्तरां के नजदीक खड़ी एक कार में हुआ है। बाजार में काफी भीड़भाड़ थी लेकिन धमाके के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। इस आत्मघाती हमले में 39 लोगों की जान चली गई है जबकि 52 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। राहत कार्य में जुटी पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टरों की माने तो विस्फोट में कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि बाजार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बदाजिर के मेयर अहमद अब्दुल्ला अफ्रैक्स ने इस आत्मघाती हमले और लोगों के हताहत होने की पुष्टि की है। हालांकि आतंकवादी संगठन अल शबाब संयुक्त राष्ट्र समर्थित सोमाली सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है लेकिन अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। बताया जा रहा है कि इस धमाके के पीछे नागरिकों में दहशत फैलाने और बेकसूरों की हत्या करना था। मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मदी के नए राष्ट्रपति चुने जाने के बाद सोमालिया में यह पहला विस्फोट है। ऐसे में आतंकवाद के खात्मे के लिए सोमालिया सरकार क्या कड़े कदम उठाती है, फिलहाल ये देखना बाकी है। देखते रहिए डीबी लाइव।